हेलो गाइस, आज जो है इंडिपेंडेंट डे है, साल का सबसे बड़ा दिन, और आज हम राइड करेंगे साल की सबसे अच्छी बाइक और साल की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक हंटर 350। उसका जो है हम पब्लिक रिव्यू भी देखेंगे कि लोगों का क्या रिएक्शन है इसको जब ऑन रोड इतनी गाड़ियां जो है एक साथ चलती हैं। वैसे भी आज इंडिपेंडेंट डे है तो सभी खुशियाँ मना रहे हैं, तो हमने भी जो है रॉयल इनफील्ड को मिल के ये खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसका जो है पब्लिक रिएक्शन देखेंगे कि रोड पर जब ये गाड़ियां खड़ी होती है और जब चलती हैं तो लोग पब्लिक इसको क्या रेट करते हैं और किस तरह से देखते हैं। तो हमारा पहला राइडर यहां पर जो है झंडे के साथ और हंटर के साथ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो, ये कुछ पब्लिक रिएक्शन है, सारे लोग जो है ये इन खड़ी हुई हंटर को और रॉयल इनफील्ड को एक बार ज़रूर मुड़ के देख रहे हैं। राइडर, ये खास दो राइडर हैं हमारे। हाँ, तो हमारे ओनर जो है गंगा जल लेके मंदिर पर चलेंगे और मंदिर में जो है गंगा जल चढ़ाएंगे। यहाँ पर सभी तैयार हैं, बस इंतजार कर रहे हैं अपने परमिशन का और उड़ने का रोड पे। पेंडेंट का सेलिब्रेशन हंटर के साथ, मज़ेदार मस्त सा रोड पे स्वैग जमाते हुए राइडर कुछ मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे सर जो है गंगा जल लेके मंदिर की तरफ बढ़ते हुए तेजी से, पूरी रोड पे ही रॉयल इनफील्ड जो है छाई हुई है, सबका अट्रैक्शन जो है रॉयल इनफील्ड खींच रही है और सभी जो है आनंद ले रहे हैं रॉयल इनफील्ड का, और इंडिपेंडेंट डे को जो है काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुशी का मौका है और रॉयल इनफील्ड साथ में है तो खुशी जो है हमारी दुगनी हो जाती है। साल की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक हंटर जो है आज रोड पर सभी के बीच अच्छे से ट्रैवल कर रही है और सबका पब्लिक नोटिस कर रही है रॉयल इनफील्ड को। तो कुछ जो है रोड पे जो है तहलका मचाए हैं हंटर वाले, पब्लिक का अट्रैक्शन खींचते हुए, पूरी रात तक नजरें जा रही हैं, सब बुलेट ही बुलेट दिख रहा है। जलवा है रॉयल इनफील्ड को लेके, यहाँ पर पब्लिक जय जय मातरम। डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हम लोग को आना था महारे, और वो भी रॉयल इनफील्ड के साथ। आप देख सकते हैं सबका केंद्र का बिंदु जो है रॉयल इनफील्ड ही बनी है। फाइनली जहां हम आना चाह रहे थे इंडिपेंडेंट डे को, महारे के पास, काफ़ी प्रसिद्ध जगह है ये, वहां पर हम आए हुए हैं और अपनी बुलेट के साथ। तो यहाँ पे काफ़ी जो है लोग जो है बुलेट को नोटिस कर रहे गाइस। काफ़ी घूमने के बाद अब लग रही है भूख और आ गए हम इस ढाबे पे। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता है। सारे राइडर जो है काफ़ी थक गए हैं और काफ़ी भूखे हैं, हम इसका टेस्ट चेक करते हैं क्या है इसका टेस्ट, और उसके बाद इसको। बहुत इंतज़ार के बाद जो है फाइनली अब हमको जो है पनीर मिला है। सभी जो है खाने में व्यस्त हैं, हमारे कुछ मेम्बर वहाँ बैठे हैं। तो गाइस, अब फाइनली इस
राजा फैमिली रेस्टोरेंट और ढाबे का जो है रेटिंग करते हैं। खाना उतना खास नहीं था, पहली बात तो खुद ही बनाना पड़ा, मतलब हेल्प करानी पड़ी, और उसके बाद खुद परोसना पड़ा और खुद ही खाना पड़ा। और सर्विस भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, बहुत मतलब अगर 5 में स्टार दी जाए तो 2 स्टार दूंगा मैं। और सभी जितने भी हमारे राइडर हैं ज़्यादा खुश नहीं है खाने से, बस हालांकि भूख लगी थी और हाईवे पे ऐसा कुछ कुछ ढाबा खास दिखा नहीं हम लोगों को, तो जो यही लास्ट में ये ऑप्शन हमारे पास था कि यहाँ खाना खा लें तो खाया, लेकिन उतना बेहतरीन नहीं है। सो गाइस फाइनली ये जो है सिंबल है कि हमने अपनी राइड कंप्लीट कर ली फुल एंजॉय के साथ,